जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BN अकाउंटिंग पे। कक्षा 12 की चर्चा चल रही थी, चैप्टर नंबर 1 की हम बात कर रहे थे और इससे पहले संचालन के विविध स्तरों के हमने चर्चा की थी। तो चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम आपने जो संचालन के विविध स्तरों की चर्चा की थी उसकी एक झलक यहाँ पे यदि देखे तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दों में से एक है। हर वर्ष ऐसे सवाल पूछने की संभावना बहुत अधिक होता है। तो तीनों स्तरों के बीच में जो अंतर है वो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। तो जो प्रथम मुद्दा है संचालन और प्रबंध, तो उच्च स्तर में संचालन का प्रमाण अधिक और प्रबंध का प्रमाण अल्प होता है, यानी जो संचालन है वो अधिक होता है और प्रबंध कम करना पड़ता है। मध्य स्तर में संचालन का प्रमाण कम होता है और प्रबंध का प्रमाण अधिक होता है, यानी संचालन का प्रमाण कम होता है और प्रबंध जो है कम करना पड़ता है। संचालन का प्रमाण बहुत ही कम होता है, निम्न स्तर में बहुत कम संचालन करने को देखने को मिलता है और प्रबंध सबसे अधिक देखने को मिलता है। समावेश, किन किन वस्तुओं का यहाँ पे समावेश होता है उसकी यदि चर्चा करें तो उच्च स्तर में संचालक मंडल, जनरल मैनेजर, बड़े बड़े मैनेजरों का समावेश होता है, जबकि मध्य स्तर में अधिकारियों का समावेश होता है, अलग अलग अधिकारियों का, और निम्न स्तर में जो जॉब करते हैं, जो निरीक्षक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनका समावेश होता है। उच्च स्तर की बात करें तो अधिकार और दायित्व में, तो अधिकार और दायित्व दोनों सबसे अधिक होते हैं। मध्य स्तर में अधिकार का प्रमाण कम होता है और दायित्व का प्रमाण विभाग तक सीमित होता है, जबकि निम्न स्तर में बहुत कम अधिकार दिए जाते हैं और दायित्व विभाग अनुसार दिए जाते हैं। संख्या की बात करें तो कर्मचारियों की संख्या कम होती है, उच्च स्तर में कर्मचारी कम होते हैं और उच्च स्तर की तुलना में मध्य स्तर में कर्मचारी अधिक होते हैं, और दोनों की तुलना में निम्न स्तर में कर्मचारी सबसे अधिक होते हैं। योग्यता की बात करें तो कुशलता की आवश्यकता होती है, मध्य स्तर में विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है और मात्र अपने विभाग के उप विभाग के सीमित ज्ञान की आवश्यकता निम्न स्तर में होती है। लक्ष्य और नीति निर्णयों की यदि चर्चा करें, मूलभूत लक्ष्यों और निर्णयों पर यह कार्य करता है। निर्णय निर्मित नीति और लक्ष्य का अम्ल ये मध्य स्तर करवाता है और अम्ल का कार्य करना, अम्ल पर कार्य करना नीति निर्णयों के यह निम्न स्तर का कार्य है। उत्तरदायित्व की यदि चर्चा करें तो यह स्तर अंशधारकों, लेनदारों, सरकारों के विविध विभाग, कानूनी व्यवस्थाओं आदि के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार ये उत्तरदायी होता है और मध्य स्तर ये उच्च स्तर के प्रति उत्तरदायी होता है और निम्न स्तर ये उच्च स्तर और मध्य स्तर के प्रति उत्तरदायी होता है। और निर्णय की बात करें तो अधिक जोखिम और प्रमाण में अधिक दुर्गामी होते हैं, इस स्तर पर निर्णय लेना अधिक जोखिमकारी और दुर्गामी होते हैं। मध्य स्तर की बात करें तो निर्णय प्रमाण में अल्प जोखिम और अल्प दुर्गामी होते हैं और निर्णय बहुत कम जोखिम और बहुत दुर्गामी होते हैं निम्न स्तर में। तो यह थे तीनों स्तर के बीच के अंतर। तो चलिए इसके बाद जो हम मुद्दा पढ़ने जाने वाले हैं वो है संचालन के कार्य, यानी संचालन तो हमने सीख लिया कि संचालन ये होता है, परंतु संचालन किस प्रकार से किया जाता है, संचालन में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यवसायिक उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए उसका संचालन कार्य कुशलतापूर्वक होना चाहिए, इसके लिए संचालन प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। प्रक्रिया अर्थात पूर्व निर्धारित ध्येय प्राप्ति के लिए कर्मबद्ध चलती सतत प्रवृत्ति, यानी संचालन का जो कार्य है वो स्टेप बाय स्टेप और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए संचालन के कार्य को एक परफेक्ट वे में करना बहुत जरूरी है। विविध संचालन कार्य, यानी विविध जो संचालन के विद्वान लोग हैं उन्होंने संचालन के अलग अलग कार्य बताए, तो उनके द्वारा बताए गए कुछ कार्यों को हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले कुंतज और ऑर्डोनल का वर्गीकरण यहाँ पे देखें तो उन्होंने एक सामान्य सा और जो आम संचालन में उपयोग किया जाता है उन सभी के बारे में चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि भैया सबसे पहले आपको योजनाएं बनानी पड़ेगी, उसके बाद व्यवस्था तंत्र और कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर उन्हें मार्गदर्शन देके नियंत्रण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुंतज और ऑर्डोनल ने बताया। उसके बाद आए हेनरी प्योल ने भी अलग अलग बातों का
वर्गीकरण और संचालन के कार्यों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार कहा कि उन्होंने कहा कि पहले आयोजन करिए, फिर व्यवस्था तंत्र करिए, फिर आदेश देना, उनको आदेश दीजिए, फिर उनके साथ संकलन बनाइए और फिर उनको नियंत्रण में करिए। तो उनके बाद जो पीटर डक्कर आए उन्होंने कहा नहीं भैया यह भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम इसमें और सुधार करते हैं। और पीटर डक्कर ने जो वर्गीकरण दिया वह कुछ इस प्रकार था, व्यवसाय का संचालन सर्वप्रथम संचालन करिए, संचालकों का संचालन और श्रमिकों और कार्यों का संचालन, यानी तीनों विभागों को अलग अलग संचालन प्रदान करिए और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद लूथर गुलिकर का वर्गीकरण यदि हम देखें तो उन्होंने कहा आयोजन करिए, व्यवस्था तंत्र करिए, कर्मचारी व्यवस्था करिए, मार्गदर्शन करिए, संकलन करिए, उसके बाद सूचना प्रेषण करिए और अंदाज पत्र बनाइए। उसके बाद डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी, उन्होंने एक सामान्य सा कुंतज का वही वापिस बताते हुए ये कहा कि आयोजन करिए, फिर व्यवस्था तंत्र करिए, उन्हें मार्गदर्शन दीजिए और नियंत्रण कीजिए। तो यही इसके मुख्य कार्य बने और इन्हीं कार्यों को हम अब विस्तार से समझेंगे। सर्वप्रथम यदि आयोजन के कार्य की बात करें तो आयोजन का जो कार्य है वह सभी जगह पे जरूर होता है। जैसा कि हमने देखा कि संचालन में ही नहीं परंतु आम जीवन में भी हम प्लानिंग करते हैं, फिर उन प्लानिंग के तहत कार्य करते हैं और कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हैं। तो चलिए प्लानिंग के विषय में समझते हैं। इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर, कहने का मतलब यह है कि भगवान चाहे तो भी भूतकाल को बदल नहीं सकते, पर अगर मनुष्य यदि ठान ले तो अपने भविष्य को बदल सकता है। अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए वास्तविकताओं का चुनाव करना, उनके मध्य आंतरिक संबंध स्थापित करना और आवश्यक प्रवृत्तियों के अवलोकन और निर्णय के लिए पूर्वानुमान करना अर्थात आयोजन। आयोजन का सिंपल सा मतलब यह है कि परिस्थितियों का पूर्वानुमान करना, यानी आगे क्या होने वाला है, यदि यह मुसीबत आई तो हम किस प्रकार से उस मुसीबत का सामना करेंगे, इन सब का पूर्व अनुमान हम लगा लेते हैं और हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, तो यह आयोजन की प्रक्रिया में होता है। संचालन के कार्य का प्रारंभ आयोजन से होता है, यह सवाल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि संचालन के कार्य का प्रारंभ किस प्रकार होता है, तो आयोजन से होता है। निर्धारित किए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन सा कार्य कौन कब किस प्रकार से कितने प्रमाण में करना है और कार्य कब पूर्ण होना है, इसका पहले से ही बुद्धिपूर्वक किए गए पूर्व विचार को आयोजन कहते हैं। तो भैया संचालन के कार्य कुछ इस प्रकार है कि कौन सा कार्य कब कहाँ किस प्रकार और कितने समय में कितने प्रमाण में कर दे, इन सब का जब हम बुद्धिपूर्वक पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं तो उसे आयोजन का कार्य कहते हैं। भविष्य के लिए पूर्व विचार वर्तमान समय में करना ही अर्थात आयोजन भविष्य में घटित होने वाले खतरों और अनिश्चितताओं को कम करने के लिए आयोजन आवश्यक है। काफ़ी सारी चीज़ें भविष्य में घटती है और हमें काफ़ी सारा नुकसान होता है, उन नुकसान को रोकने के लिए आयोजन करना आवश्यक होता है। आयोजन के कारण इकाई की सभी प्रवृत्तियाँ व्यवस्थित होती है और लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग सरल बन जाता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक मार्ग होते हैं, तब श्रेष्ठतम मार्ग का चुनाव करने में आयोजन उपयोगी होता है। इसलिए आयोजन का कार्य मूलभूत रूप से चुनाव का कार्य होता है। संचालन के अन्य कार्य जैसे कि व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, संकलन और नियंत्रण आदि योजना पर आधारित होते हैं। यानी संचालन का जो सर्वप्रथम कार्य होता है प्लानिंग करना, आयोजन करना, इसी कार्य पर अन्य सारे कार्य निर्धारित होते हैं। और यदि आपकी प्लानिंग सही नहीं है तो संचालन आप सही तरह से नहीं कर सकते हो। प्लानिंग का एक सुंदर सा चित्र यहाँ पे मैंने बताने का प्रयत्न किया है। जो प्लान्स होते हैं, जो प्लानिंग होती है वो पहले की जाती है, उसके बाद भविष्य में आने वाली अड़चनों और काफ़ी सारी मुसीबतों से लड़ा जा सकता है और नुकसान होने से बचा जा सकता है। अगला जो हमारा मुद्दा है वो है प्रबंध व्यवस्था तंत्र, यानी किस प्रकार से हमने जो प्लानिंग की है उसे आगे किस प्रकार से ले जाए, उसकी व्यवस्था किस प्रकार करना है, यह पूरा का पूरा हमें पढ़ना है। तो सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाशील व्यक्तियों के मध्य अधिकारी और दायित्व का विभाजन करने वाले ढांचे को व्यवस्था तंत्र कहते हैं। यानी सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो हमारे लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए हमारी इकाई में जो भी व्यक्ति काम कर रहा होता है, यानी जितने भी व्यक्ति काम कर रहे होते हैं उन सभी व्यक्तियों में काम
और अधिकार, यानी दायित्व और अधिकारों का विभाजन जब हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्यवस्था तंत्र कहते हैं। आयोजन द्वारा लक्ष्य, नीति, कार्यक्रम आदि निश्चित किया जाता है, जिनको पूर्ण करने के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना करनी पड़ती है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इकाई की प्रवृत्ति को अलग अलग विभागों में अलग अलग मानव समूह में विभाजित कर दिया जाता है और उनमें अधिकार और दायित्व का विभाजन किया जाता है, जिसे व्यवस्था तंत्र या प्रबंध कहते हैं। यानी अलग अलग विभाग में अलग अलग अधिकारियों का चुनाव कर दिया जाता है, उन्हें अलग अलग दायित्व और अधिकार प्रदान कर देते हैं और इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? प्रबंध या व्यवस्था तंत्र। व्यवस्था तंत्र की रचना करने से कौन किसका निरीक्षण करेगा, कार्य संबंधित अधिकारी अधिकार और दायित्व किसका होगा, व्यक्तियों के मध्य अंतर संबंध कैसा होगा आदि का विचार किया जाता है। आयोजन व्यवसायिक इकाई का मस्तिष्क है जबकि व्यवस्था तंत्र शारीरिक ढांचा है। जो प्लानिंग, एक मनुष्य की यदि बात करें तो जो प्लानिंग होता है वो उसका मस्तिष्क है, यानी संचालन में जो प्लानिंग होता है वो उसका मस्तिष्क है, यानी वो मुख्य चीज़ें वो आदेश देता है कि आपको यह चीज़ें करनी है। और जो प्रबंध होता है उसका मतलब ये होता है कि हमारे अंग जो यह कार्य करने वाले उसके लिए हम प्रबंध करें। प्रबंध की यदि बात करें, आगे उसके कार्य की बात करें, तो मानव शरीर में मस्तिष्क का कार्य बौद्धिक निर्णय लेने का होता है। जाहिर सी बात है, हमारे निर्णय लेने के सारे काम हमारा मस्तिष्क करता है। इसका अम्ल शरीर के विविध अंग करते हैं। इसी प्रकार व्यवसायिक इकाई में आयोजन का कार्य बौद्धिक निर्णय लेने का है और आयोजन में लिए गए निर्णयों का अम्ल करने के लिए इकाई के कर्मचारी प्रबंध करते हैं, उन्हें दायित्व तो सौंपा जाता है। आगे इसके एक चित्र की चर्चा करें तो जो उच्चतर संचालन होता है वो आयोजन करता है और अलग अलग विभाग में इन अधिकार और दायित्व का वितरण करके प्रबंध करता है। तो यह थी आज की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद इसे देखने के लिए। इसके आगे की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।